हेलो वियर्स, अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो क्या करें? घबराएं बिल्कुल भी नहीं, शांत रहें, खुद को दूसरे लोगों से अलग करके रहें। घर पर रहकर ही कोविड-19 संक्रमण से आप निपट सकते हैं। और इस कोरोना काल के चलते सभी परिवार के सदस्यों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर संभव हो तो आप खुद को 10 दिनों के लिए ऐसे कमरे में आइसोलेट कर लें जिसमें शौचालय की अलग से व्यवस्था हो। आराम करें और दिमाग को शांत रखें। किताब पढ़ें, टीवी शो देखें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर बातें करके खुद को व्यस्त रखें। अगर आप सहज महसूस कर रहे हैं तो हल्के व्यायाम करें, जैसे अनुलोम विलोम आधा घंटा कर लें, कपालभाति भी आधा घंटा कर लें और 15 से 20 मिनट आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लें। आप जिस कमरे में रह रहे हैं उसका दरवाजा खोलते वक्त नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क N95 जरूर पहनें। आपके कमरे में आने वाले लोगों को भी N95 मास्क पहनना जरूरी है। अगर संभव हो तो वेंटिलेशन के लिए कमरे की सभी खिड़कियां खुली रखें। अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें। अपने कमरे को स्वयं कीटाणुनाशक या साबुन से साफ करें। और इस कोरोना काल में चलते परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन। आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि पहले से ज्यादा सतर्क रहें। शहरों में हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। जान पहचान, पैसा कुछ भी काम नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाना ही एकमात्र उपाय है। सभी परिवार के सदस्य इन बातों का खास ध्यान रखें। कोई भी खाली पेट ना रहे, उपवास न करे, रोज 1 घंटा धूप लें, एसी का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, गर्म पानी पिएं, गले को गीला रखें, सरसों का तेल नाक में लगाएं, घर में कपूर एवं गूगल जलाएं, आधा चम्मच सौंठ हर सब्जी में डालें, दालचीनी का प्रयोग करें, रात को 1 कप दूध में हल्दी डालकर पिएं, हो सके तो 1 चम्मच चमनप्राश खाएं, घर में कपूर और लौंग डालकर धुनी दें, सुबह की चाय में 1 लौंग डालकर पिएं, फल में सिर्फ संतरा ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, आंवला किसी भी रूप में, चाहे अचार, मुरब्बा, चूर्ण, कच्चा किसी भी रूप में 2-3 फांक जरूर खाएं। अगर आप कोरोना को हराना चाहते हैं तो आप मेरे बताए इस इंफॉर्मेशन को फॉलो भी करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। मास्क का उपयोग जरूर करें, बार बार अपने हाथों को जरूर धोएं, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाकर रखें, आवश्यकता हो तो भीड़ वाली जगह पर न जाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद सजग रहें और दूसरों को सजग करें। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो आप क्या करें, और इस कोरोना काल में सभी लोगों के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन भी। व्यूअर्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है तो अटेंड करें लाइव क्लास बाय गौरव धवन सर, वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आज की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल ऐसे हेल्थ वीडियो या ब्यूटी टिप्स के साथ। स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। बाय बाय।